मेरी कहानी अमेरिका में ही पूरी हो सकती थी और कहीं नहीं। मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास के गरीब परिवार में हुआ था। मेरे अंदर हमेशा से कुछ खास करने की इच्छा थी और इसके लिए रिस्क उठाने की हिम्मत भी। मैं एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनना चाहता था और खुद को ऐसे स्मार्ट लोगों से घिरा हुआ रखना चाहता था जो मेरे सपनों और मेरे मूल्यों को समझ सकें। मेरा हमेशा ये विश्वास रहा है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपका लक्ष्य ऊंचा है तो कामयाबी आपको मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते भी नहीं। वो अपने पीछे सीढ़ियां खींच लेते हैं, परंतु फ्रैंक इस्लाम उनमें से एक हैं जो सिर्फ सफलता की सीढ़ियां ही नहीं चढ़ते बल्कि दूसरों को चढ़ने में मदद करने के लिए नई सीढ़ियां भी बनाते चले जाते हैं। फ्रैंक सचमुच लोगों को कुछ देना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि यही उन्हें करना भी चाहिए। जिन्हें बहुत कुछ मिलता है उन्हें बहुत सी उम्मीदें भी होती हैं। ये फ्रैंक का पसंदीदा कोटेशन है और वह उसमें पूरा विश्वास रखते हैं। फ्रैंक आजमगढ़ का एक बहुत चमकता हुआ सितारा है। वो अमेरिका आए और यहाँ काफी धन कमाया। दूसरे बहुत से लोग भी बहुत पैसा कमा लेते, लेकिन फ्रैंक की खास बात यह है कि वो वापस लोगों को इससे फायदा पहुँचाना चाहते हैं। कोई भी मानवता का, लोगों का, हर अकीदे, हर धर्म, हर जाति का इतना बड़ा सेवक नहीं हो सकता जितना कि फ्रैंक इस्लाम है। अमेरिका पिछले 400 सालों से विदेश से आकर बसने वालों के लिए एक स्वर्ग सा है। इन नए आने वालों ने यहाँ कड़ी मेहनत करके अपने करियर को मजबूत किया और यहाँ मिलते महान अवसरों का लाभ उठाकर बड़ी कामयाबियां हासिल की। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने और भी बड़े सपने देखने की हिम्मत की और उन सपनों को साकार करने में जुट गए। ऐसे लोगों ने अपने पीछे कदमों के निशान छोड़े और मिसालें कायम की। फ्रैंक इस्लाम की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। आजमगढ़ की धूल भरी सड़कों से लेकर पोटोमैक के अमीर कबीर इलाके तक की फ्रैंक इस्लाम की यात्रा प्रेरणा देती है। फ्रैंक इस्लाम की यात्रा के तीन खास हिस्से या फेज हैं, डेवलपिंग फेज, डूइंग फेज, गिविंग बैक फेज। उनकी यात्रा आजमगढ़ से शुरू हुई। फ्रैंक इस्लाम का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के एक छोटी से गांव कौरा धानी में हुआ। उनके बचपन के कुछ साल कौरा धानी में ही बसर हुए। वो एक बहुत ही रिमोट एरिया था, वहां तक सड़क भी नहीं थी। पिता की ओर से हमारा ददिहाल एक खाता पीता घराना था। पिता ने ज्यादा तालीम हासिल नहीं की, सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई कर उन्होंने छोड़ दिया और आगे पढ़ाई नहीं की। उनके स्कूल में टेबल कुर्सी भी नहीं थी, टीचर और बच्चे जमीन पर ही बैठते थे। इस्लाम ने गांव के एक स्कूल से पढ़ाई शुरू की। उनके एलिमेंट्री स्कूल पास करने के बाद इस्लाम का परिवार बनारस शिफ्ट हो गया। वहां उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला लेने का मौका मिला। फिर अफसोसनाक हादसा हुआ। आसमान से गिरने वाली बिजली के झटके लगने से उनके पिता बीमार पड़ गए। शुरू से ही इस्लाम को यह लग गया था कि उन्हें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बनानी है और अपनी माँ तथा बीमार पिता का ख्याल रखना है। मेरे पिता ने इस बात को बहुत शिद्दत से समझा था कि तालीम ही कामयाबी की चाबी है। उनका विश्वास था कि तालीम एक ऐसा तोहफा है जो लगातार कुछ देता ही रहता है, लेता नहीं। तालीम ही एक ऐसी ताकत है जो हमारे जैसे गरीब परिवारों को दूसरों के बराबर करती है और गरीबी से बाहर लाती है। हाई स्कूल पास करने के बाद इस्लाम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जो हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण और पुराने तालीमी इदारों में से एक है। ये उनके जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। अलीगढ़ ने इस्लाम की शख्सियत निखारने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। जब वो बनारस से अलीगढ़ गए, उन्हें हमेशा से पता था कि उन्हें अलीगढ़ ही जाना है। यहाँ एक कहावत है कि लोग अलीगढ़ आते हैं फिर छोड़ देते हैं, पर अलीगढ़ उन्हें कभी नहीं छोड़ता है।
अलीगढ़ ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी। यहां से मुझे आगे यात्रा का और कामयाबी की बुनियाद रखने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से मुझे जिंदगी के वो अहम सबक मिले जिसे मैंने पूरी जिंदगी अपने साथ रखा। सन 1969 में अलीगढ़ में इस्लाम की मुलाकात कोलोराडो यूनिवर्सिटी से आए एक विजिटिंग प्रोफेसर ऑल्फ गैंग थॉर्न से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की दावत दी। इस्लाम ने ऐसा ही किया और उनका एप्लीकेशन मंजूर कर लिया गया, परंतु उनका परिवार इतना गरीब था कि हवाई जहाज के टिकट के पैसे मुहैया करने के लिए उनको जायदाद का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। इस्लाम का अमेरिका जाना एक खट्टा मीठा तजुर्बा था। मेरी माँ ने अपना गम छुपाकर मुस्कुराते हुए पिता की आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और कहा था कि मुझे वहाँ इतने अच्छे मौके मिलेंगे जो हम यहाँ सोच भी नहीं सकते। इस्लाम 1969 में बोल्डर पहुँचे। उनके लिए ये कैंपस एक नई अनोखी दुनिया थी। बोल्डर बहुत ही हसीन जगह है, चारों तरफ चट्टानी पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस समय वहाँ हिंदुस्तान या पूरे साउथ ईस्ट एशिया से बहुत कम स्टूडेंट आते थे। बोल्डर उस समय 60वीं या 70वीं दहाई में बहुत अच्छी जगह थी, जहां फॉरेन स्टूडेंट्स का खुले दिल से स्वागत किया जाता था और उन्हें पसंद किया जाता था। वहां का तालीमी माहौल भी बहुत ही अच्छा था। कोलोराडो यूनिवर्सिटी में मुझे कभी ये एहसास भी नहीं हुआ कि मैं एक फॉरेनर हूँ। मुझे हमेशा लगा कि जैसे मैं यहीं का हूँ। कोलोराडो यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर और मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद इस्लाम उत्तर की ओर कनाडा चले गए। मैं कोलोराडो से कनाडा ओंटेरियो की मैकमेस्टर यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए चला गया। जल्द ही उन्हें एक आईटी फर्म में नौकरी मिल गई। इस फॉर्म में ही उनकी मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी डेबी ड्राइसमैन से हुई। जब हम मिले थे उस समय हम दोनों लेवल प्रोग्रामर थे। उनसे बात करना आसान था। खाली समय में हमारा ग्रुप इकट्ठा होता था और हम इधर उधर की बातें करते थे। कुछ समय के बाद हम दोनों ज्यादा करीब आ गए और ज्यादा देर तक बातें करने लगे। हम दोनों का पैशन था कंप्यूटर साइंस। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे असेंबली प्रोग्रामिंग। उसे प्रोग्रामिंग की मुझसे ज्यादा नॉलेज थी। फ्रैंक इस्लाम और डेबी सही मानों में एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक हैं। वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है अकीदे, धर्म, जाति इत्यादि के भेदों को मिटाना और लोगों को आपस में जोड़ना। 1977 में वो दोनों कनाडा से पीटर्सबर्ग चले गए, जहां उन्होंने नई नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने शादी कर ली। 1982 में इस्लाम और ड्राइसमैन एक बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्टर कंप्यूटर साइंस कॉरपोरेशन में जॉब करने के लिए वॉशिंगटन डीसी के एरिया में शिफ्ट कर गए। वहां से इस्लाम 1983 में रेथन चले गए, जो एक दूसरा महत्वपूर्ण सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था। यहीं प्रोग्राम मैनेजर की जॉब करते हुए डॉक्टर इस्लाम अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना सजोने लगे। सन 1994 में उन्हें ये मौका भी मिला जब एक छोटी सी कंपनी QSS बिक्री के लिए तैयार थी। इस्लाम ने इस कंपनी को $40,000 में खरीद लिया। अपनी यात्रा का डेवलपिंग फेज खत्म करके वो डूइंग फेज के लिए तैयार थे, लेकिन शुरू के 2 साल आसान नहीं थे। कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बुनियादी ढांचा दिया। यहाँ तालीम हासिल करने के बाद विभिन्न आईटी कंपनियों के लिए काम करते हुए बिजनेस की वास्तविक सीख और तजुर्बा हासिल हुआ। शुरू के 2 साल जंग के थे, स्ट्रगल के और कुर्बानी के। हमने अपना घर गिरवी रख दिया था। सच तो यह है कि हमें ये दोबारा गिरवी रखना पड़ा ताकि बिजनेस के लिए नेशनल बैंक से आवश्यक लोन ले सकूं। उस समय मेरी कंपनी के ऑफिस में ढंग से कुर्सी टेबल भी नहीं थे और ना ही कोई कॉन्फ्रेंस रूम। शायद 1.5 साल बाद वो अपनी पूरी सैलरी उठा सके। वो उस समय औसतन 14 से 16 घंटे काम करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस बिजनेस को खड़ा करने में लगा दी थी। मुझे हमेशा से विश्वास था कि यदि मैं कड़ी मेहनत करता रहा और अपने आसपास सही लोग रहे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। हमें पहला कॉन्ट्रैक्ट और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला और हमारी कंपनी खड़ी हो गई। QSS को सरकारी विभागों और एजेंसियों जैसे पेंटागन, नासा से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। सन 1994 में
पहले साल हमने $2,000 का बिजनेस किया, 1995 में $2 मिलियन का, 1996 में अगर मुझे सही याद है तो करीब $27 मिलियन का, और सन 2002 में हमारी कुल रेवेन्यू अर्निंग $175 मिलियन से ऊपर हो गई थी। मैंने कड़ी मेहनत की और पेरोल के लक्ष्य को पूरा करना सुनिश्चित कर लिया था। इस बात को पक्का कर लिया कि कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिल सके और साथ ही बिजनेस भी आगे बढ़ता रहे। हमारे यहाँ मैनेजमेंट की बहुत टैलेंटेड लोगों की टीम थी जो मेरी सोच और मेरे मूल्यों को समझते थे। अपने काम के लिए उनमें बहुत जोश और उमंग था। उनको सचमुच ये बिजनेस बहुत पसंद था। उनका फोकस था ज़रूरी कामों को करना ताकि बिजनेस आगे बढ़े, और उसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत भी की। एड ग्रीगो एक ऐसे मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम के साथ मिलकर 2 किताबें लिखी और हफिंगटन पोस्ट पर उन दोनों का ज्वाइंट ब्लॉग भी है। लक्ष्य था संपूर्ण परफेक्शन। उन्हें लगा कि बहुत सी सर्विस फर्में ऐसा नहीं कर रही हैं, इसीलिए वो शुरू से ही लगातार कोशिश करते रहे सब कुछ सही करने की। उन्होंने अपने ग्राहकों से उनकी जरूरतों को जानने और समझने की कोशिश की, सोच विचार किया, प्लान बनाया और उसके अनुरूप काम किया। फ्रैंक में अपने आसपास हो रही घटनाओं को जानने, समझने और उसमें शामिल होने की बहुत अच्छी सलाहियत थी। वह दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते थे कि वह क्या कहना चाहते हैं और उस हालत में क्या सही है, और फिर वह उन्हें सही दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। फ्रैंक ने अपनी QSS मैनेजमेंट टीम के साथ कभी मैं कहकर बात नहीं की, हमेशा ही हम का प्रयोग किया। सन 2005 तक QSS की आर्थिक हालत बहुत अच्छी हो चुकी थी और उसका रेवेन्यू $300 मिलियन से ऊपर था, परंतु 13 सालों तक कंपनी को कामयाबी के साथ चलाने के बाद वो अब अपनी यात्रा के अगले फेज के लिए तैयार थे। मैं तैयार था नई चुनौती के लिए, अपनी जिंदगी के अगले फेज के लिए, और मैंने इरादा कर लिया कि अब मुझे जरूरत है समाज सेवा की। लगातार पैसा बनाने की जगह अपनी ताकत को लोगों की मदद करने और इंसानियत की खिदमत करने में लगाना है। हम दोनों ने साथ बैठकर यह प्लान बनाया कि अब अपनी कंपनी को कैसे बेचा जाए, कैसे दूसरी कंपनियों को लाया जाए। सच्चाई यह है कि जब आपके पास एक सॉलिड कंपनी हो और सॉलिड काम करने वाले हों जिससे कंपनी को बहुत फायदा हो रहा हो, तो उस समय कंपनी को बेचना, इच्छुक खरीदारों को लाना, कंपनी में दूसरों की रुचि बढ़ाना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। सन 2007 में बिलियनेयर रॉस पैरोट, जो 1992 के प्रेसिडेंशियल रन में सरगर्मी से आगे रहे थे, कि कंपनी पैरोट सिस्टम ने ग्रुप को खरीद लिया। उन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया जिसको मैं ना नहीं कर सका। कंपनी बेचने के बाद इस्लाम ने सबसे पहला काम ये किया कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों में बांट दिया जिन्होंने उनकी कंपनी को कामयाबी से चलाने में मदद की थी। लगभग $40 मिलियन उन्होंने अपने 5 दर्जन एग्जीक्यूटिव्स में बांट दिए। इस बंटवारे के बाद भी उनके पास बहुत सारा धन बचा हुआ था। अपने घर को गिरवी रखकर मैंने जो $45,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, उसका मुझे बहुत जबरदस्त लाभ मिला। मैं जानता हूं कि हजारों लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और बड़ा लक्ष्य रखते हैं, परंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं कि भगवान ने हमें, हम सबको, हमारे परिवार को इतना कुछ दिया। QSS की सेल के साथ डूइंग फेज खत्म हुआ और इस्लाम ने अपनी यात्रा के गिविंग बैक फेज में प्रवेश किया। फ्रैंक और ड्राइसमैन ने अपने समाज सेवा के कामों को व्यवस्थित करने के लिए एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी। साथ ही अब वो देश और कम्युनिटी की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सरगर्मी से भाग लेने लगे। कंपनी बेचने के बाद हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई। हमारा उद्देश्य है शेयर करना, बांटना, अपने देश और समुदाय जिसने हमें इतना कुछ दिया है उसको वापस देना, और इसीलिए अब हम इन सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं। याद रहे, हम सब अच्छी चीजों का मजा ले सकते हैं, परंतु पैसे और धन का फायदा ही क्या अगर हम दूसरों के काम ना आ सके। हमेशा से ये सोच थी कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। अगर आपको ढेर सारा पैसा और मुकाम मिला है तो इस पैसे और मुकाम को दूसरों की मदद करने में लगाना चाहिए। आपको ये करना ही है। मेरे लिए धन का सही अर्थ है दूसरे लोगों के जीवन में अर्थपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव एवं बदलाव लाना। पिछले दशक से इस्लाम और ड्राइसमैन ने फ्रैंक इस्लाम और डेबी ड्राइसमैन फाउंडेशन के जरिए इंडिया और अमेरिका में बहुत से कॉजेज में मदद दी है। फाउंडेशन का पहला फोकस है
एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, पीस एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इस्लाम और राइजमैन की तरफ से जिन संस्थानों को मदद मिली उसमें यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का नाम महत्वपूर्ण है, जिसको $1 मिलियन की राशि डोनेट की गई। फ्रैंक और डेबी पिछले 7 सालों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय एडवाइजरी काउंसिल के अहम सदस्य रहे हैं। वो बहुत ही वंडरफुल सपोर्टर हैं, जोशीले हैं और लग्नशील भी। दूसरे लाभार्थियों में जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, मॉन्टगोमरी कॉलेज और मैरी माउंट यूनिवर्सिटी शामिल है। फ्रैंक और डेबी के फलाही और इमदादी काम अमेरिका तक ही सीमित नहीं थे। मैं समझता हूँ कि वो ये सब अपना फर्ज समझकर करते हैं और फर्ज के अलावा इसे अहम इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं। ये सिर्फ चैरिटी के नाम पर दान नहीं बल्कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या दूसरे आम लोग हों या कला और संस्कृति का विकास हो, इन्वेस्टमेंट का मकसद है आम जीवन में अर्थपूर्ण बदलाव लाना। यही उनका असली मकसद है। फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए सन 2016 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को $2 मिलियन का ग्रांट दिया। ये मेरे लिए सचमुच एक अहम मौका है, अहम जगह जहां मुझे फ्रैंक एंड डेबी इस्लाम मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स को आप सबको समर्पित करने का अवसर मिला। ये मेरी जिंदगी का एक शानदार मुकाम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे हमारा नाम जुड़ा हुआ है, बल्कि वास्तव में इसलिए कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये कोई अंत नहीं, ये एक ऐसी बुनियाद की तामीर है जिसका मूल्य वक्त के मापदंड पर खरा उतरेगा। ये मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स वो जगह है जहां सपनों की शुरुआत होगी और स्टूडेंट्स को सही ज्ञान और कौशल हासिल करने का मौका मिलेगा और इससे लाभ उठाने वाली क्षमता का भी। ये मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स एक रचयिता और भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल है। वो एक बहुत ही ख्याल रखने वाले दयालु प्रकृति के उदार व्यक्ति हैं, जो हमेशा हर समय दूसरों का भला सोचते रहते हैं, सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय का। वो सोचते हैं कि कैसे इनके जीवन में तब्दीली लाई जाए और उन्हें ऐसे अच्छे मौके दिए जा सकें जिससे वो समाज में ऊपर उठ सकें और एक अर्थपूर्ण नागरिक बन सकें। अलीगढ़ को दिया गया ये डोनेशन इस्लाम के लिए दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक तो अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी से उनका दिल से जुड़ाव और दूसरा उनका शिक्षा की ताकत में अधिक विश्वास। यहाँ खड़े होकर आप सब में मैं खुद को देखता हूँ। मुझे मालूम है इस ग्रेजुएटिंग क्लास में दूसरे फ्रैंक इस्लाम भी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को अच्छी तालीम मिले ताकि वो आगे बढ़ सकें और दूसरों की मदद कर सकें, और इसी से मेरा ये इन्वेस्टमेंट कामयाब होकर आगे बढ़ेगा। मेरा सारा परिवार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया, हम आभारी हैं उनके। इसमें कोई शक नहीं कि हम यहाँ जो कुछ भी हैं अलीगढ़ की वजह से हैं। हम अपने परिवार से शुरू करते हैं और बिजनेस को फैलाते हैं, फिर पूरे समाज के लिए कुछ करते हैं और इस तरह ये चक्र पूरा हो जाता है, एक पूरा चक्र। इन्हीं सिद्धांतों के साथ वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ्रैंक की अपनी जीवन कथा की वजह से उनके दिल में दूसरों को मदद करने की इतनी जबरदस्त भावना पैदा हुई है, और खासकर अपने अडॉप्टेड देश यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कुछ विशेष करने की, और इससे उन्हें प्रेरणा मिली है इतने यूनिक समाज सेवी और सिविक एक्टिविस्ट बनने की। उन्हें पता है और इस बात को वो अच्छी तरह समझते हैं कि व्यक्ति के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है, और वो ये सब पूरे यकीन, पूरी उदारता और पूरे जोश के साथ करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर एक जेंटलमैन को सिविक एंगेजमेंट का अवार्ड देते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जो फ्रैंक इस्लाम हैं। आपने उनकी पुस्तक में उनके कुछ पेज के बायोडाटा को शायद पढ़ा होगा। वह सिर्फ एक रहबर और विचारक ही नहीं बल्कि दुनिया के 2 मशहूर किताबों के लेखक भी हैं, रिकॉलिंग द अमेरिकन ड्रीम्स और टू मेक अमेरिका वर्क अगेन। वह एक बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं और उन्होंने इस एरिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए नौकरी के अच्छे अवसर प्रदान किए हैं। उन्हें पहले भी ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं जिनकी गिनती मैं यहाँ कम समय में कर भी नहीं सकता। मैं सिर्फ कुछ अवार्ड के बारे में कहूँगा, जैसे कि द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ स्टेट ऑफ मैरीलैंड अवार्ड। साथ ही वह
करीब आधे दर्जन बड़े शैक्षणिक संस्थानों के बोर्ड में शामिल हैं, जिनमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी भी है। वह इस एडमिनिस्ट्रेशन के अहम मित्र हैं, जिनको राष्ट्रपति ओबामा ने नियुक्त किया था। देवियों और सज्जनों, आइए हम श्री फ्रैंक इस्लाम को सिविक एंगेजमेंट अवार्ड मिलने का स्वागत करें। समाज सेवा के अलावा इस्लाम पॉलिटिकल और सिविक गतिविधियों में भी एक्टिव हैं। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों, अपनी लिखी पुस्तकों और हाफिंगटन पोस्ट के ब्लॉग के जरिए सन 2010 से विचारक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी नई छवि बनाई है। पिछले दशक में उन्होंने और उनकी पत्नी देवी ने बहुत खुले दिल से राजनीतिक उम्मीदवारों की मदद की है। हम सबको राजनीति में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अंततः इन नेताओं द्वारा बनाई गई पॉलिसियों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। इससे हमें सही आवाज उठाने का अवसर मिलता है और बैठने की जगह भी। राजनीति में उनका लक्ष्य है सही स्थान ग्रहण करना। उनके दिमाग में बहुत से अच्छे आइडियाज हैं, जिसको वो राजनीति के रास्ते से अहम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। राजनीति में प्रवेश के पीछे उनका यही इरादा है कि उनके आइडियाज सही लोगों तक पहुंच सकें और उसे सुना जा सके। फ्रैंक ने खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी की एक मजबूत ताकत के रूप में साबित किया है। वो डिबेट के लिए बहुत से नए आइडियाज देते हैं। वो चूंकि खुद एक बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हैं और अमेरिका में हाल ही के इमिग्रांट भी, इसीलिए वो दिल की गहराई से इन विषयों पर बोलते हैं कि किस तरह के सुंदर अवसर इस देश में मिलते हैं और दूसरे लोगों के लिए ये अवसर कितने महत्वपूर्ण हैं, कितनी अहमियत रखते हैं। हम सब ने जीवन में कुछ हासिल किया है। हम सबको लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए और उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का अवसर देना चाहिए। हालांकि इस्लाम बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट हैं, इसके बावजूद उन्होंने अच्छे रिपब्लिकन उम्मीदवारों को भी सपोर्ट दिया है। फ्रैंक इस्लाम वो शख्स हैं जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी ताकत मिलजुल कर काम करने में है। हमारे बीच विभिन्न विषयों पर विचारों का मतभेद हो सकता है, परंतु जरूरत है एक कॉमन ग्राउंड और ऐसे समाधान की जो प्रैक्टिकल हो। दो विषय जो इस्लाम के दिल के सबसे करीब हैं, उनमें से एक है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को करीब लाना और दूसरा मुसलमानों से संबंधित मुद्दे। मैं एक अमेरिकन हूं और मुझे अपने देश से प्रेम है, साथ ही मैं भारत से भी उतना ही प्रेम करता हूं, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है और अमेरिका एक अडॉप्टेड देश है। जनवरी 2015 में जब राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदरणीय अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था, तो उस समय इस्लाम भी राष्ट्रपति के साथ आने वाले बिजनेस डेलीगेशन में शामिल थे। दो देशों के बीच अच्छा आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर वो वैल्यूज जैसे प्रजातंत्र, अनेकता में एकता, सबको बराबर अवसर इत्यादि, जो इन दोनों देशों को मजबूती से जोड़ते हैं। उनकी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान मुसलमान अच्छी और आला तालीम हासिल करें, ताकि वह भी आगे चलकर उनकी तरह सफर कर सकें और उनकी तरह इन्वेस्टमेंट भी। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लिए ये रोल भी चुना है मजहब को बेहतर तरीके से समझाने का। महत्वपूर्ण नेताओं से मिलकर वो देश, समाज, धर्म के बारे में अपने आइडियाज और विजन को उनके सामने रखते हैं। धर्म जिस पर वो गर्व महसूस करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें पूरे मानव समुदाय को जोड़ना है। आज इस्लाम को अपनी कंपनी QSS बेचे हुए और समाज सेवी कार्यों को करते हुए एक दशक हो चुका है, परंतु उनका जीवन अभी भी एक संघर्ष है, एक यात्रा जिसमें अभी कई नए मील के पत्थर बनने हैं। एक ताउम्र रहबर और बदलाव के लिए लगातार कार्यरत समाज सेवी के रूप में उन्हें खुद पता नहीं कि आगे और कितनी चुनौतियां आने वाली हैं, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि उनकी यात्रा हमेशा से आजमगढ़ से अलीगढ़ और अलीगढ़ से अमेरिका और फिर वहीं वापस होगी। ये हमेशा गोइंग बैक और गिविंग बैक का फेज होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद देते हुए। ये कहा गया है कि तुम वापस घर नहीं जा सकते, परंतु इस्लाम को पता है कि ये सही नहीं है। सच तो ये है कि हम कभी घर नहीं छोड़ते। हमारा घर हमेशा हमारे दिमाग, दिल और आत्मा में बसा होता है और इसी वजह से उनके सपने जारी हैं। आओ हम मिलकर आजमगढ़ की शक्ल बदल दें। एक समय में एक परिवार की, एक गांव की, एक व्यक्ति की मदद करते हुए मेरी विरासत यही है। मुझे आशा है कि लोग मुझे याद रखेंगे कि मैंने दूसरों को प्रेरित किया
और लोगों के जीवन में अर्थपूर्ण और सुंदर बदलाव लाने की कोशिश की। मेरी विरासत होगी कि मैंने बहुत से नए फ्रैंक इस्लाम को सामने आने और आगे बढ़ने में मदद की, जिससे कि वो मेरे रास्ते पर चलकर और रिस्क उठाने की हिम्मत कर बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन बन सके।